आज भाई माँ की हालत बहुत खराब हो रही है। माँ क्या हुआ? बना बना रुणु। ओहो, माँ को सर दर्द हो रहा। तो इधर साइड माँ का घास था जो माँ ने बहुत महीनों से उसकी देखभाल कर रही थी, ये बल किसी ने काट दिया। यहाँ से पूरी जो दीवार है पूरी खराब होने लग गई है। पिताजी ने इतनी मेहनत से ये बनाया मकान, तो बड़ी मुश्किल से पिताजी ने अपने खून पसीने की कमाई को इकट्ठा किया। अब यार पूरा मकान खराब हो रहा है यार, ऐसे मैं क्या करूँ? अब मैं अपनी तो उतनी औकात नहीं कि हम जमीन ले। तो हर किसी यूट्यूबर का ड्रीम होता है कि अपना घर बनाऊं, क्योंकि मैं जब कई बार पिताजी के साथ रहता था तो पिताजी रात को कई बार घबराते थे कि कहीं मुझे कुछ हो गया। और हर कोई बच्चा चाहता है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें। माँ को भरोसा ही नहीं हो रहा, माँ बोले अरे बाबा ठीक है पक्का। वो तो शुक्र करो ऊपर से ये जो मकान है ये बच गया थोड़ा। तो चलो आज दिखाता हूँ अनीता कैसे खाती मोमो। तो आखिरकार मैंने एक लॉन्ग ट्रिप पे लाई दिया अनीता को। अरे वाह काजल, हाँ पगली, पहाड़ की नारी सब पे भारी। तो एक चीज बताता हूँ मैं, अगर शादी कर भी लेंगे तो बारिश से ही उम्मीद मत रखना, वो इतना भार लाएगी। तो चलिए जी हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत सी धार फुर्मला धार से। बाकी चलिए जी आज मैं उसी धार पे हूँ जहाँ पहले अक्सर वीडियो अपलोड करने आता था। इससे पहले मैं ठीक सामने, वो देखिए वो जो सामने वाली धार है, इस वाली धार पे वीडियो अपलोड करता था, लेकिन आज मैं यहीं पे आ गया हूँ जहाँ बहुत पहले आता था वीडियो अपलोड करने। और बाकी यहाँ से देखो चारों तरफ के नज़ारे काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। नीचे देखो ये जो हमारे गांव की नदी है, ये है जरकुल नदी, ये भी आज बिल्कुल उफान पे है। ठीक उसके ऊपर ये जो गदेरा है ये उडरी गाँव से होकर आता है, तो ये भी बहुत ज्यादा उफान पर है। बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पर देखो भाई ये जो फॉग है कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, काफी खूबसूरत दृश्य दिखाई दे रहा है। और बाकी वीडियो अपलोड करने के लिए मैंने यहाँ पे लगा रखी है, और बाकी यहाँ जो रोड के किनारे पिलर लगा रखे हैं इन पे आजकल पेंट भी कर रखा है। तो भाई कल रात इतनी बारिश हुई कि ठीक सामने देखिए यहाँ पे वाटरफॉल निकल रहा है, और ठीक इसके थोड़ा और ऊपर देखिए यहाँ भी वाटरफॉल निकल रहा है जो कि काफी खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ से। बाकी देखिए जी कुछ साल पहले एक शादी हुई थी और उस शादी में एक टैक्सी ये देखिए यहाँ पे गिरी, और जितने भी बारात मेहमान थे सभी इसमें एकदम काल के ग्रास में समा गए। और वो जो गाड़ी गिरी थी ठीक सामने ये जो बैंड है यहाँ से नीचे गिरी थी। ठीक सामने उस पहाड़ी पर देखिए यहाँ जो आपको इतने सारे खेत दिखाई दे रहे हैं और कुछ मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दरअसल उडरी गांव वालों की छानी मरोड़े हैं। चलो भाई 10:50 पे अब जाके वीडियो अपलोड हुई और पब्लिक भी कर दिया, और बाकी आप लोगों से माफी चाहता हूँ, लेट हो रही है लेकिन मेहनत उतनी कर रहा हूँ, आप लोग ऐसे प्यार देते रहे। बाकी निकलता हूँ यहाँ से, अब एक बार फिर से इस खूबसूरत सी खुरमला धार को बाय बाय कहता हूँ। खूबसूरत भी और खतरनाक भी है, और अपने धनो तैयार है चलने के लिए। और बाकी मैंने छाता भी लाया था क्योंकि मुझे पता था कि मौसम तो पैक हो रहा है और बारिश कभी भी हो सकती है। तो अभी निकलता हूँ यहाँ से, तो चलिए निकलता हूँ। सबसे पहले मुझे यहाँ से 3 किलोमीटर नीचे कोडार जाना है, क्योंकि कोडार मैंने राणा जी को स्पेशल बोल रखा है कि आज पराठे बना देना जरा, तो आज थोड़ा पराठे भी खा लेता हूँ। बहुत दिनों से खाए नहीं, तो राणा जी बोल भी रहे थे क्या बात है आजकल पराठे नहीं खा रहे हो, बल स्वाद नहीं आ रहा बल क्या। अरे मैंने कहा राणा जी ऐसी बात नहीं है, रोज रोज बाहर का ठीक नहीं होता है, तो आज खा ही लेते हैं यार, बहुत दिनों से उन्होंने मेरे को बोल दिया है। बाकी भाई आजकल चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी, लेकिन जब रात को बारिश हो रही तो बड़ा खतरनाक डरावना माहौल हो रखा है। सच बताऊं तो नींद भी नहीं आ रही है, और ऊपर से बादल इतनी खतरनाक आवाज कर रहे हैं ना गर्जना की, पूरा मकान हिल रहा है भाई। आजकल तो ऐसा लग रहा है कि भगवान बचेंगे भी कि नहीं बचेंगे। चलिए जी फाइनली कोडार के पास पहुंच गया हूं, अब चलते हैं राणा जी के यहां पराठे खाने। अरे भाई कहां लगा रखी गाड़ी, बच गया। लगाओ राणा जी गर्म गर्म पराठे, एक गिलास गर्म गर्म चाय। चलिए जी राणा जी की दुकान पे गर्मा गर्म पराठे भी खा लिए, और बाकी एक ही पराठे से पेट फुल हो जाता है भाई। ठीक है राणा जी धन्यवाद, अब निकलते हैं यहाँ से घर। सबसे जेन्युइन रेट पे भाई, बहुत सस्ते, मतलब और जगह जाता हूँ तो बहुत तगड़ी तबाही रहती है, लेकिन यहाँ बहुत सस्ते रेट पे मिलते हैं पराठे, और बहुत बड़े बड़े, और स्वाद की तो भाई साहब गारंटी है। बाकी चलिए जी निकल पड़ा हूँ कोडार से, और बाकी एक दादाजी ने मेरे से अभी लिफ्ट मांगी, तो इनको भी धोत्री तक छोड़ना है बल। बाकी पहाड़ की मात्र शक्ति तो लगी रहती है काम पे, और बाकी भाई अपनी आदत ऐसी है कि जो भी लिफ्ट मांगता है बेफिक्र होकर दे देता हूँ कि बैठिए यार क्या लेके जाना दुनिया से। लेकिन अक्सर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बिल्कुल नहीं बिठाते भाई, मेरे साथ खुद ऐसे 2-3 बार हो रखा है जब मेरे पास बाइक नहीं थी, मैंने इमरजेंसी में लिफ्ट मांगी लेकिन नहीं भाई, कोई रुकता भी नहीं था, चाहे हाथ जोड़ लो तो बिठा दो भाई। क्या ही बोले, हर किसी की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरा हमेशा यही रहता है मकसद कि कोई भी अगर लिफ्ट मांग रहा हो, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई मांग नहीं रहा, तो अगर वो देख भी रहा होगा हल्का, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे लिफ्ट मांग रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, झिझक रहा है बेचारा, तो मैं खुद ही पूछता हूँ कि हाँ जी चलना है, फिर वो खुश होकर बोलते हैं कि चलो। चलो भाई दादाजी को यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक ठीक था भाई। और बाकी दादाजी जिस गांव से, उस गांव का नाम है सिलोड़ा, वहाँ आज तक भी सड़क नहीं गई भाई, यानी कि उससे बैक साइड वाले गांव में सड़क चलेगी लेकिन सिलोड़ा में आज तक सड़क नहीं गई। ये बता रहे कि 2-3 परिवार ऐसे हैं जिनके वजह से सड़क नहीं जा रही, बल वो जगह ही नहीं दे रहे, यानी कि कोई अपना खेत ही नहीं दे रहा, क्या करे। अब होते हैं गाँव में 1-2 परिवार ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सब लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। बाकी चलो मैं भी निकलता हूँ यहाँ से नीचे।
अब लगाओ रात को इतनी खतरनाक बारिश हुई, ये जो पुश्ता हमारे गांव के रास्ते का ये भी टूट गया है और इसका कोई भरोसा नहीं, ये मेरे को लग रहा है धीरे धीरे पूरा ही टूट जाएगा। ओहो चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से हाल फिल। माँ तो चलेगी घास के लिए। चलो भाई फाइनली पहुंच गया घर। पता नहीं क्या हो रहा, दिन में तो ये धूप खतरनाक लग रही लेकिन रात को सोने नहीं दे रही भाई बारिश। कल रात भी हम सो नहीं पाए, 2 बजे उठे, उसके बाद मधुली को अंदर बांधना पड़ा क्योंकि जो अखरोट का पेड़ बहुत कच्चा है और ये पेड़ कभी भी टूट सकता है। और मधुली सारी रात को यहाँ से आवाज देती रही, वो बेचारी भी डर रही थी कि एक्चुअली बिजली बहुत ज्यादा चमक रही थी ना। और ये देखो ये पूरा खोखला हो रखा भाई अंदर से, ये कभी भी टूट सकता है भाई, ये पूरा सड़ गया भाई एकदम, अंदर से मिट्टी मिट्टी हो रखी इसकी। चलिए लगता है इस पेड़ को भी कटाना पड़ेगा। इस पेड़ के साथ पिताजी लोगों की बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, मैं बताऊंगा ये पेड़ क्यों लगाया, इसके पीछे कितना स्ट्रगल किया। इस पेड़ की एक बहुत रोचक कहानी है जिसको सुन के मैं दंग रह गया था, बताऊंगा आपको आगे। और बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी पर देखे, वहाँ फॉग लगने लग गया और काले काले बादल घिर के हमारे गाँव की तरफ आने लग गए हैं। तो समय तो लगभग 12:15 बज रही है। आहर अरे भाई साहब, आज तो कतई पूरा काला आसमान हो गया दिन में ही। कल तक तो ऐसा हो रहा था कि चलो दिन में थोड़ा कड़कदार धूप थी, शाम को बारिश हो रही थी, लेकिन आज तो बिल्कुल ही धूप गायब कर दी आसमान ने। सूर्यदेव कहाँ चले गए तुम, आज तुम नजर नहीं आ रहे हो भाई कहीं भी। लगता है आज दिन में ही तबाही आने वाली है। तो चलिए जी, आज मेरे एक परम मित्र यानी कि रोहित का बर्थडे है। तो रोहित का कुछ महीने पहले यहाँ से ट्रांसफर हुआ बिहार अपने ही गांव में, पहले वो यहाँ पोस्ट मास्टर के पद पे कार्यरत था। तो आज उसको कॉल करते थोड़ा हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। 5-7 महीने हो गए उसको गए यार, भूल गया यार हमें कसम से। क्या ट्यून है वाह, मेरे पे लाएगा आज कुछ देवता, क्या ट्यून लगा रखी वाह। पता फोन ही नहीं उठा रहा यार, हम इसको बधाई दे रहे थे फोन ही नहीं उठा रहा, बहुत बड़ा इंसान बन गया भाई। चलो सही है, अब हमारा फोन क्यों उठाएगा, गर्लफ्रेंड का फोन उठाएगा ना तुरंत, हमें तो भूल गया भाई। अब हम तो हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए आज फोन कर रहे हैं, उसको टाइम ही नहीं हमारा फोन उठाने का। चलो कोई नहीं दोस्त, अगर तू ब्लॉग देख रहा है मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तू खुश रहे और अपने हैप्पी बर्थडे को धूमधाम से मनाए। साथ में होता तो 1-2 केक तेरे नाम से काट देता, लेकिन क्या करे बिहार जा रखा है तू, फोन ही नहीं उठा रहा। और बाकी भाई आज तो 12 बजे ही ठंडी ठंडी हवाएं देखने को मिल रही है। कॉल आ गई, रोहित की कॉल आ गई, हाथ हो गई है। हेलो अरे हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। अरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारा 1 साल कम हो गया जिंदगी का। अरे 1 साल कम हो गया यार। है कॉल नहीं उठा रहा था, हमारी क्यों उठाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड की उठा रहा होगा सुबह सुबह ने। हाँ और आपकी अभी कॉल रिकॉर्ड चल रही है यूट्यूब पे। तो इसीलिए थोड़ा शब्दों का उच्चारण ढंग से करना ताकि लोग बोले ना कि वाह रोहित वाह, ये सरकारी आदमी के हाल है। अरे भाई ऐसी बात नहीं है यार। हाँ और कैसे कैसे याद कर लिए भाई। अब क्या करे, तू तो करते नहीं हमें याद, मेरे का हम ही करते हैं। अरे चलो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। चलो और बढ़िया ना। बढ़िया। तो आज मेरी जितनी भी ऑडियंस देख रही है कल का ब्लॉग देख लेना, कल हैप्पी बर्थडे बहुत सारे लिखेंगे ठीक है। वैसे तो तू देखता नहीं है, फड़ मारता है, लेकिन चलो कल का तो देख ही लेना। अरे देखता हूँ भाई, सबको मेरे तरफ से थैंक यू, तुम्हें कर देना। अच्छा हाँ थैंक यू लिखना यार, ये सबको थैंक यू बोल रहा भाई। अब इसे कुछ पर्सनल बात करते हैं, थोड़ा मैं वीडियो बंद करता हूँ। तेरी भैंस की टांग, तू एक बात बता, आज बड़ी जल्दी आ गई 12:30 बजे है। मैं तेरे पाँव में पड़ता हूँ, जय हो जय हो, बस मुझे गाली मत खिला और ठीक है ना। जब से आप लोगों ने कमेंट में इतने भर भर के सम्मान दिया है ना मुझे, तब से मैंने इसको बोला मेरे पाँव में मत पड़। एक दिन तो सपने में आए मेरे पाँव में पड़े, मैं एकदम उठ गया सपने में, मैंने क्या हो गया। अच्छा ये बता आज 12:30 बजे छुट्टी है, टीचरों का ध्यान नहीं क्या पढ़ाने पे। अच्छा पास हुई फेल हुई। ओहो कल आएगा रिजल्ट, कल इंतजार करना पड़ेगा, मैं सोच रहा आज ही चलेगा, पता है फेल वही पास हो गए। बस तो मुझे पूरी उम्मीद है जिस चीज पे खरी उतरती है हमेशा। मार खाई होगी पहले, ओहो मेरे से लंबी लग रही, कैमरा बंद करना पड़ेगा। और बाकी कुछ दिन पहले मैंने अपने नए सैंडल लाए थे और ये देखो यार, इसने इन सैंडल पे हक जमा दिया अपना, अब नहीं छोड़ेगी इनको नहीं। एक्चुअली क्या हुआ कि इसके लिए जूते नहीं लाए, अभी तो सुबह रोने लग गई, मैंने कहा मेरे नए सैंडल है वो पैक हो रखे अभी, उनको निकालो उनको ले जाने। क्यों अपने अरे यार कैसे बात कर रहे हैं भाई, सैंडल कोई भी है लड़का हो लड़की हो सैंडल लगभग सेम होते सबके। कमेंट करना इसकी दोस्त, पता नहीं कौन सी बेवकूफ दोस्त है जो बोल रही अपने भैया के सैंडल ला दी। और क्या बोलो तब, ऐसा नहीं है एक्चुअली इसके पास जूते नहीं था तो मैंने कहा सैंडल ले जा, लेकिन आज तेरे जूते लाऊंगा ठीक है, आज मैं घर नहीं आऊंगा तब तक जब तक तेरे जूते नहीं लाऊंगा, आज किसी भी हाल में इसके लिए जूते लाऊंगा मैं। नाप के नाप, ना अपना मैं हाथ से नापता हूँ, दिखा कितना पहाड़ इतना है।
चल ठीक है ला दूंगा, तो नंबर बता देना मेरे को। और बाकी ठीक सामने वाले गांव के रास्ते में देखे, इन दोनों को देख के तो मुझे भी अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं भाई। वाह क्या बात है क्या बात है, अलग ही स्वैग है भाई दोनों का चलने का, ये जोड़ी अलग लग रही भाई आज। और ठीक तार पे देखो दो चुपले चोर बैठ रखे हैं, बहुत दूर दूर है, लगता है इनके बीच अनबन हो रखी है। एक बेचारा ये बैठ रखा है, अब एक इधर साइड है कहीं, एक ये राम राम राम, बहुत नाराज हो रखे हैं दोनों आपस में। कल तक वो दोनों साथ में थे, वैलेंटाइन डे मना रहे थे सितंबर के महीने, लेकिन आज बिल्कुल नाराज हो रखे, अलग अलग बैठ रखे। चलो भाई आज के खाने में कुछ स्पेशल बन रहा है, यानी कि न दाल न भात यानी कि नमकीन कुछ नहीं बन रहा है, आज बनाई जा रही खीर, और खीर की खुशबू नहीं आ रही। अबे सिटी मार, अब आई खुशबू। तो अनीता ने क्या किया, पहले एक सीटी मरवाई चावल पे, तबल खीर बहुत अच्छी बनती है, उसके बाद ढक्कन खोला इसमें दूध डाल दिया। ये कहाँ से सीखा है टैलेंट, यूट्यूब से? पुष्पा दीदी से, उत्तरकाशी। अच्छा पुष्पा ने सिखाया तेरे को है, खतरनाक है भाई। चलो भाई एक बार बाहर जाऊं तो अहर है, वाह भाई एक बार फिर से धूप आ गई भाई, यानी कि मौसम आज अलग ही कहर ढा रहा है। सोचा था आज सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होंगे, लेकिन चलो सूर्य भगवान ने फाइनली दर्शन दे दिए हैं। धूप आते भाई साहब, धूप में खड़ा नहीं रहा जा रहा है, यानी कि जब बादल आए उस टाइम हल्की ठंड लग रही थी, लेकिन अभी धूप में जा रहा ना, मतलब नहीं एक मिनट खड़ा रह पाऊं। अब देखो मैं खड़ा रह रहा हूं, एकदम सर पे बज रही है धूप, टन टन टन। अब देखो भाई छुट्टी तो लगभग एक घंटे पहले हो गई, लेकिन ये जो तीन चार आपस में खिलाड़ी हैं, ये पता नहीं कहाँ जा रही थी खेलने। अब इनकी उम्र में हम भी इधर उधर चले जाते थे खेलने, तो ये अब जा रहे भाई घर। यही बचपना होता है भाई, इसी उम्र में होता सब कुछ, बाद में तो टेंशन के अलावा कुछ नहीं हो पाती। तो दिन की लगभग 2 बजने वाली है, और अनीता ने खीर बना रखी है, और माँ तो अभी तक नहीं आई। तो अनीता बोली एक बार मार्केट चलो, बोल मेरे लिए जूते लाओ। मैंने कहा चल तू ही चल, तेरे नाप के जूते लाता हूँ। तेरे नाप का मतलब उसके पैर के नाप के जूते, उसके नाप का नहीं, उसके पैर के नाप। एक बार सबसे पहले मैं गौशाला की तरफ चलता हूँ, कहीं आज तो नहीं पी रही काजल दूध। मैं नहीं चाहता हूँ कि माँ की मेहनत बर्बाद हो, चुपके से जाना पड़ेगा मुझे। ओहो काजल तू यहाँ पर बैठ रखी है और मुझे देख रहे हैं। अबे काजल, काजू क्या हाल है, बढ़िया पगली। अरे सोई रे सोई रे सोई रे। बाकी मधुरी ने इधर आने की कोशिश तो की, लेकिन मधुरी के गले में जो संगल है, माँ ने उसको थोड़ा टाइट बांध रखा है, इसी वजह से इधर पूरी नहीं आ पा रही है, इसीलिए बेचारी काजल मस्त करके बैठ रही है। चल बैठ रहे बैठ रहे, ठीक है चलो ठीक है। माँ ने अब संगल को टाइट कर दिया उसमें, और आप लोगों के भी कमेंट आ रहे थे कि उसके संगल को टाइट कर दो, तो बिल्कुल माँ ने वही कर रखा भाई। ठीक नहीं ना, पूरे दिन भर माँ जी घास लाती है उसके लिए, और वो मस्त करके अपनी बेटी को पिला रही है। और किसी ने कहा कि उसको दिन में दूध पिलाएगा, और मैं बता देता हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम उसको दूध पिलाया जाता है। सुबह मतलब जब सुबह मधुली के पास दूध लेने जाते हैं, शाम को भी जब दूध लेने जाते हैं, तो उन्हीं दो टाइम उसको दूध पिलाते हैं, और लगभग पूरे दिन भर उसको 1-1.5 किलो दूध तो पिला ही देते हैं। तो ये मत सोचो कि हम उसको दूध नहीं पिलाते हैं भाई, हमारे घर में जितने पशु है हमने सबको बचाने की कोशिश की। क्यों भाई हमने करते हत्या होते, पाप लगता है भाई। और बाकी ठीक सामने देखो, जहाँ कुछ दिन पहले त्रास दी आई, जहाँ की पूरी नदी चौड़ी हो रखी है, अब जितने खेत है सब बर्बाद हो रखे हैं, तो जेसीबी लगी है वहाँ पत्थर को साफ करने पे। हो गए तो तैयार? चलो चलो इसको जूते दिलाते हैं यार मार्केट से। चलो मैं ऊपर तक जाता हूँ, इसको रुका रहूंगा ऊपर तक, क्योंकि इसने गेट बंद करना है। भैया तो चले गए हैं और मैंने गेट भी लगा दिया। तो चलिए जी अनिल भुना की दुकान पे आ गया हूँ, जहाँ की अक्सर मैं कपड़े भी ले जाता हूँ, तो जूते भी यहीं से ले जाऊंगा। पर बाकी किसी जमाने भूपी भाई की भी दुकान हुआ करती थी, अब तो ये दूसरों की दुकान में बैठने में अपना फायदा समझते हैं। भूपी भाई कैसा लग रहा है दूसरी दुकान पे बैठ के, बढ़िया लग रहा है ना? हाँ ऐसे होता है भाई। हर साल तो अनीता इस टाइप में जूते ले जाती थी, इस बार इसको ये वाला पसंद आया, मैं कहा ले ले भाई। और सबसे बड़ी बात है ये वाटरप्रूफ है, इसके ऊपर पानी गिरेगा तो पानी अंदर नहीं जाएगा, इनमें तो ताला बन जाता था पैर में। ठीक है पक्का? चलो ठीक है बोला, धन्यवाद। ठीक है ऐसी कृपा बनाए रखो। हेलो खुश है? चल ठीक है, अब इसकी दूसरी डिमांड है कि मोमो खाने हैं। चल अब मोमो खिलाता हूँ तेरे को, आजा आजा जल्दी आ, नहीं तो खाने सुनी देगी मेरे को घर में। बाकी जब कुछ दिन पहले सारी जगह त्रास दी आई थी, तो ये भी टूटा था भाई पूरा ऊपर से, वो तो शुक्र करो ऊपर से ये जो मकान है ये बच गया थोड़ा। चलो फिर से एक बार कैफे में आ गया हूँ, चला जा। अरे वाह 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 भाई साहब लगे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, चलो ठीक है अबला दो हाथ मोमो लगा ले। तो जैसे ही हम यहाँ बैठे अनीता बोल रही कि घर में खाएंगे वाला मोमो, एक्चुअली यहाँ पे शर्मा रही है ना, जब स्कूल से आते तो उस टाइम तो कोई शर्म नहीं लगती, उस टाइम तो दोस्त होते साथ में, हमारे साथ थोड़ा शर्मा रही है। अब मैं शर्मा है? नहीं शर्मा नहीं रही मैं, अभी ये गरम गरम। ए बाबा इज्जतदार वाली बात कर रही है आज है? ऑफ कैमरा तो मेरे को धमकी दी जाती है कि मोमो खिलाए नहीं तो देख ले, भले हम ब्लॉगर है लेकिन भाई साहब पीठ पीछे हम भी डरते यार। तो चलो आज दिखाते अनीता कैसे खाते मोमो, खा जरा खा 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 ना प्लीज खा ना, ऑफ कैमरा तो बहुत चिल्लाती तो अभी खा जरा खा 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 सवास खा 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 खा। ओहो होटल के मालिक आ गए यार, ये शर्म आ गए। मालिक साहब थोड़ा उधर जाओ जरा, ये मोमो खा रहे यार, हम नहीं दिखे इसको कभी खाते हुए, खा जरा खा 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 जल्दी खा।
खाली इसने एक बाइट खा ली भाई। हाँ ये ट्रेंडिंग में चले गया, भयंकर खा रही भाई ये। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अनिता को घुमाओ अनिता को घुमाओ, तो आखिरकार मैंने एक लॉन्ग ट्रिप पे लाई दिया अनिता को घर से और मार्केट तक। कैसा लग रहा है? और देखो घर से और मार्केट तक आते आते इसने इतना बजट बिठवा दिया। मोमो और खाएगी कुछ? अरे बोल दे ऑन कैमरा है पक्का। अब घर में धमकी तो नहीं देगी? तब ठीक है। चलो भाई मुझे टाइम टू टाइम खाना तो मिल जाए कम से कम, ये भी हमारी घर की माता है भाई, इसको भी खुश रखना पड़ता है। तो चलो भाई हम तो घर आ गए, बाकी माँ के लिए मोमोज ला रखे हैं। और अनिता सबसे पहले गेट बंद कर रही है। कोई चोर ना है? कर रहा सबाश। आज पता नहीं अनिता मार्केट में क्यों सर मारी थी, मैं इसको खूब पूछ रहा, ये बेचारी एकदम शांत हो रही, कैफे में भी एकदम चुप थी। क्यों क्यों सर मारी इतना? पता नहीं, पहली बार हुआ ना ऐसा, मतलब शर्माई तू? ये बेशरम पहली बार शर्माई। चलो अच्छी बात है। क्या करी तू, खा रही तू उसको? है ओ भाई साहब, जूते में इतनी खुश हो गए हैं? कैसे लगे जूते? अब बाबा अच्छा बा, अरे कितने रिफ्लेक्ट मार रहे तेरे जूते हैं, तेरी शकल से गोरे हो रही। तो समय लगभग 3:30 बज गई है और माँ बाहर से आवाज दे रही है, तो इसका मतलब माँ आ गई भाई। अरे वाह, माँ ने घास की भारी ला दी भाई। आइए। और यहाँ पर माँ जो ठीक सामने पे, ताई जी ने भी घास की भारी ला रखी। ताई जी लगे रहो काम पे, सही है, बढ़िया बढ़िया है, पहाड़ की नारी सब पे भारी। ऐसा मत बोल, ताई जी बोल रही क्या करे, वो शादी वक्त तुम करते ने। तो एक चीज बताता हूँ मैं, अगर शादी कर भी लेंगे तो बारिश से ही उम्मीद मत रखना, वो इतना भार लाएगी। ना भार नहीं लाएगी, घर का तो कर ही लेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ताई जी की डिमांड पे थोड़ा फोकस किया जाएगा। और यही क्वेश्चन मेरी माँ का भी मुझसे है, अब क्या करे भाई, चाहता तो हर कोई शादी करे लेकिन कोई करने वाली नहीं है। चलो होगी नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी चलो भाई, गौशाला की रौनक डबल हो जाती है जैसे माँ आ जाती है। ये माँ जी नाश्ता पानी तो तूने क्या करना है? ओहो मुंडारा, माँ को वो सर दर्द हो रहा। चलो घबरा मत, अंदर दवाई है, दवाई तुम ऐसा खाते जैसे खाना खाते हो। माँ कल रात याद है ना बारिश हुई भयंकर है, और 2 बजे हम मधुरी को अंदर ले गए थे ने, और इस पेड़ को कटाना पड़ेगा, पेड़ पूरा खोखला हो गया माँ, ठीक है? हाँ चलो भाई कुछ दिन में इसको कटाना पड़ेगा अब, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है, पूरा खोखला होगा नीचे से। अब देखो प्रकृति का क्या नियम है, बोलते हैं कि अखरोट के जो पत्ते हैं उससे बस दंतून करो उससे दांत मजबूत रहते हैं, लेकिन बेचारा अखरोट खुद ही मजबूत नहीं रह पाता। आज भाई माँ की हालत बहुत खराब हो रही है। माँ क्या हुआ? सुना रुनो। ओहो माँ को सर दर्द हो रहा। अब माँ को सुबह भी सर दर्द हो रहा था, मैंने माँ को दवाई दे दी थी, तब गया मैं वीडियो अपलोड कर देने। तो देखिए जी ठीक सामने पे देखिए, इधर साइड माँ का घास था जो माँ ने बहुत महीनों से उसकी देखभाल कर रही थी, ये बल किसी ने काट दिया यहाँ से। ए हे सारा घास काट रखा भाई, पता ही नहीं चला किसने काटा हो घास। तो पहाड़ में क्या होता है, कुछ कुछ बिटा ऐसा होता है, बिटा हम उसको बोलते हैं, जैसे वो सामने पहाड़ी है उस पे घास लगा हुआ है, हर कोई अपने अपने हिसाब से उस घास की घेराबंदी कर लेता है, उसको वही काटता है जो उसकी देख रेख करता है। तो माँ ने भी ठीक सामने पे देखो वहाँ कुछ घास था जिसकी माँ ने घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन वो बल किसी ने काट दिया है। चलो क्या कर सकते हैं, जिसने भी काटा होगा अपने पशु के लिए काटा होगा। अब माँ को थोड़ी देर के लिए टेंशन तो होगी लेकिन कोई बात नहीं, फिर माँ जी खुश हो जाती कि चलो कोई बात नहीं, बहुत सारा घास लगा हुआ है चारों तरफ, मधुली और काजल के लिए कहीं ना कहीं से ला देंगे भाई। तो जैसे माँ जी आई, सबसे पहले एक घास की पूरी मधुली को और काजल को दे रही है, और माँ जी आज इतने पिला रही हो। अरे वाह काजल, हाँ पगली, आज माँ ने काजल को भी वहाँ टाइट बांध रखा भाई, क्योंकि काजल भी इधर नहीं आ पा रही ज्यादा। और इधर की बात करें तो माँ ने इसकी भी संगल को टाइट बांध रखा है, अब इतनी मेहनत करती है, अरे राम, ये माँ जी के साथ गद्दारी करती है नी। ओ पगली माँ के साथ गद्दारी मत क्या कर। हाँ जी हेलो, क्या हाल है पगली? नटखट, सही है सही है सही है, तेरा स्वैग ही अलग है आजकल। तो अनिता तो सो रखी है अभी, वो थोड़ा अभी चार्ज हो रही है 1-2 घंटे सो के, वैसे उसका फिक्स नहीं है, कई बार वो 5 बजे उठ जाती है, कई बार 7-7 बजे शाम को भी उठती है वो, उसका मन है जब उठे भाई वो। और बाकी मौसम तो कभी साफ हो रहा है, कभी काले बादलों से घिर रहा है। अब देखिए आजकल कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो ठीक सामने देखो भाई पूरी जो दीवार है पूरी खराब होने लग गई है, कुछ महीने पहले पिताजी ने यहाँ प्लास्टिक पेंट करवाया था, वो भी धीरे धीरे उखड़ने लग गया है। और ठीक सामने नीम करोली बाबा जी की फोटो है, ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मेरे लिए भेजी थी, तो इनका भी हम पे आशीर्वाद बना रहता है। लेकिन यार पूरी दीवार खराब होने लग गई, एक्चुअली क्या हो रहा है कि रोज बारिश हो रही है ना, उस वजह से वहां से पानी लीक हो रहा अंदर, ठीक दूसरे वाले कमरे में भी हो रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है यार, पिताजी ने इतनी मेहनत से ये बनाया मकान, देखो वहां भी पानी लीक हो रहा। अरे यार चलो एक बार छत के ऊपर देखना पड़ेगा, वो दरार फिर से मोटी हो गई है। और आजकल तो भाई साहब सेवाल ही सेवाल जम रखा है सीढ़ियों में। और ठीक यहाँ देखो भाई, ओ भाई साहब, यहाँ हमने थोड़ा सीमेंट भी लगाया था,
लेकिन फिर भी यहाँ से लीकेज हो ही रहा है पूरा। ये देखो यहीं से जा रहा भाई पानी। क्या होगा भाई, अब बड़ी टेंशन होने लग गई। ये दरार इतनी लंबी हो रखी है, सॉरी यहाँ तक हो रखी है, और इसने दोनों कमरों को कवर कर रखा है। अब देखिए जी, आज से 2-3 साल पहले इस छत के ऊपर हमने पुटी करवाई थी, क्योंकि जितना सीमेंट था सारा उखड़ गया था। तो बड़ी मुश्किल से पिताजी ने अपने खून पसीने की कमाई को इकट्ठा किया, तब जाके यहाँ पुटी डलवाई थी। अब वहाँ पीछे से वो पानी जा रहा, तो टेंशन तो होती है यार। अब यार पूरा मकान खराब हो रहा है यार, ऐसे मैं क्या करूँ। अब मैंने एक सपना सोच रखा है। देखो वैसे तो बहुत सारे लोग नीचे जमीन ले रहे हैं, मैं अपनी तो उतनी औकात नहीं कि हम जमीन दें, लेकिन मेरा एक सपना है यार। बहुत सारे लोग जैसे आपने आजकल देखा होगा अपने अपने मकान बना रहे हैं, तो हर किसी यूट्यूबर का ड्रीम होता है कि अपना घर बनाऊं। तो मेरा भी एक सपना है यार, ये मकान तो पिताजी ने जैसे तैसे करके अपने खून पसीने की कमाई से 2005 में बनाया, लूनिंग ली। मुझे पता है पिताजी ने इसका लून कैसे कैसे करके चुकाया था, क्योंकि मैं जब कई बार पिताजी के साथ रहता था तो पिताजी रात को कई बार घबराते थे कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो ये लून कैसे चुका पाऊंगा। तो एक मेरा सपना है कि जो छत के ऊपर है, मैं चाह रहा हूँ कि छत के ऊपर एक जो फाइबर वाली चादर होती है उससे 4-5 कमरे बनाऊं, ताकि उसका वजन भी नहीं रहेगा मकान के ऊपर, और जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो वो वहाँ बैठेंगे, क्योंकि हमारे इस वाले मकान पे मात्र 2-3 कमरे हैं, 2 तो प्रॉपर कमरे हैं और 1 है बरामदा। तो मैं चाह रहा हूँ छत के ऊपर 4-5 कमरे बन जाएंगे फाइबर की चादर से, तो जैसे मेहमान भी आते हैं, इन फ्यूचर कोई कार्यक्रम होता है तो उनको वहाँ आराम से रख सकते हैं। तो एक ड्रीम है यार मेरा, इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आप लोग ऐसी मुझे लाइक शेयर करते रहेंगे और ऐसे अपने छोटे से भाई को देखते रहेंगे, हो सकता है मैं माँ जी और पिताजी का ये सपना पूरा कर दूँ। और हर कोई बच्चा चाहता है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ करें, तो अगर ये सपना पूरा हो पाता तो देखता हूँ, कोशिश तो पूरी है। हाल फिलहाल तो अभी मेरे पास ऐसा कोई बजट नहीं है, और सच बता रहा हूँ कि अगर मैं ये माँ बाप का सपना पूरा कर दूंगा ना, तो जिंदगी भर अपने पे गर्व फील करता रहूंगा, क्योंकि मैं पिताजी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है पिताजी को मैं बोलूंगा कि यहाँ ऐसा है तो उनके पास उतना बजट नहीं है भाई। तो मैं खुद माँ जी और पिताजी को सरप्राइज देना चाहता हूँ कि अपने दम पर मैं छत के ऊपर वो कमरे बनवाऊँ, और इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों को सपोर्ट इसलिए चाहिए कि आप लोग मेरी वीडियो को ऐसे शेयर करते रहें। वैसे तो आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे, बहुत मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो इस आशीर्वाद को ऐसे देते रहें। इसके लिए आप सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अपनी माँ से पूछते हैं, माँ चाहती है कि छत के ऊपर कमरे बनाऊँ मैं? माँ को भरोसा ही नहीं हो रहा। माँ बोले अरे बाबा, माँ बोली तेरे पर कौन सी नौकरी, तू कहाँ से बनवाएगा बने? अरे यार माँ, अब देखो माँ बाप कैसे भी हो तो ऐसे सोचेंगे ना, बात भी सही, मेरी कौन सी नौकरी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनका भी वो सपना पूरा हो जो इन्होंने बहुत समय से सोचा था। देखते हैं सपना पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है, अब आगे क्या होता है वो तो देख ही लेंगे। लेकिन मैं जब भी माँ से बोलता हूँ तो माँ को भरोसा ही नहीं होता कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा। आप लोग मेरे साथ हो, इनको करके दिखाऊंगा मैं। और बाकी भाई, जो अनिता ने मस्त करके आज गर्मा गर्म खीर बना रही थी, तो माँ भी खीर खा रही है।